हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी मैकेनिकल। जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 90 प्लस एस्पिरेंट्स जो कि ट्रिकी मैकेनिकल से अभी तक कनेक्टेड रहे हैं उनको इंटरव्यू कॉल मिला है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अनलकी भी रहे जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पाया है, तो ऐसे लोग भी निराश नहीं होइए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि डिजर्विंग थे उन लोग को इंटरव्यू कॉल नहीं मिला था, तो उस टाइम पे उनको ज़रूर निराशा हुई थी। बट उन्होंने अपना हार्ड वर्क जारी रखा और फाइनली अभी जो रिज़ल्ट आया है उनमें बहुत सारे लोगों का नाम आ गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से हार्ड वर्क करते रहिए, निराश मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम आएंगे और जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रोसेस है उसमें आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छे से मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रही, साथ ही साथ ये जानेंगे कि इंटरव्यू कॉल हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मैकेनिकल कैंडिडेट्स। ठीक है, साथ ही साथ इंटरव्यू कॉल करने का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से इंटरव्यू कॉल मिलती है, मीन्स रोल नंबर वाइज मिलती है या फिर कैटेगरी वाइज कॉल आती है, तो ये सारी चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जो कि इंटरव्यू में जाने से पहले हम लोग को करके जाना है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग को इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो हमारी लंबी रहे, लेकिन आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा, बहुत कुछ आपको इससे जानने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो लोग यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और पैरेलली इस पर्टिकुलर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजल्ट से। ठीक है, तो 254 वैकेंसीज थी मैकेनिकल एस्पिरेंट्स के लिए और 254 के बिहाफ में इन्होंने 907 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल दिया है। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो एक सीट के लिए अप्रॉक्स 3.57 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, जबकि आप देखोगे तो जो इनका एडवर्टीजमेंट था वहाँ लिखा हुआ था 2:1 से लेकर 3:1 रेशियो में इंटरव्यू कॉल मिलेगा, तो यहाँ पे रेशियो 3:1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कई केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं या फिर कट ऑफ डेडलाइन जो हमारी सेट की गई है वहाँ एक पर्टिकुलर नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अवेलेबल हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जिसके कारण ये जो रेशियो है वो हमारा बढ़ गया है। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो, मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनको भी इंटरव्यू कॉल मिला है वो सारे के सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या लास्ट कैंडिडेट का कट ऑफ गया है, उसको छोड़ करके आप लोग अच्छे से इस इंटरव्यू को दो। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और वो आपको डेफिनेटली आगे के लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू कॉल मिला है उन सारे कैंडिडेट्स ने जो मार्क्स मेरे साथ शेयर किए हैं उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे रफली एक आइडिया बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ गया है और उन सारे कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स ट्रिकी मैकेनिकल की आंसर की के अकॉर्डिंग जोड़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट में एक एस्पिरेंट हैं जिनके 502 मार्क्स थे, उनको इंटरव्यू कॉल मिला है। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी में एक कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 470 के अराउंड थे, उनको इंटरव्यू कॉल मिला है। सिमिलरली बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 420 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल मिला है। वहीं बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वहाँ अराउंड 480 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल मिला है। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ उससे भी कम कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये वो कट ऑफ है जो लोगों ने ट्रिकी मैकेनिकल की आंसर की के अकॉर्डिंग जोड़े थे आफ्टर डिडक्टिंग देयर डाउटफुल आंसर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अब आगे इंटरव्यू के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और इंटरव्यू कॉल हमें कब तक मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू की डेट क्या हो सकती है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ जो भी डिटेल शेयर कर रहा हूँ वो यूपीपीएससी एई के रेफरेंस के बिहाफ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम यूपीपीएससी एई का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 5 फेब
2021 में हुआ था, ठीक है। और विद इन 10 डेज लोगों को मेल आने स्टार्ट हो गए थे कि उनका इंटरव्यू किस पर्टिकुलर डे में है, ठीक है। तो 5 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 15 तारीख में इंटरव्यू कॉल लेटर्स लोगों को मेल के थ्रू मिले थे, और मैकेनिकल कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हो गया था। तो रफली आप मान के चलिए कि एक मंथ के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मई बहुत प्रोबेबल डेट है, 5 या 6 मई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब बात की जाए कि इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी रहती है। तो जैसे ही आपके पास कॉल लेटर आएगा थ्रू मेल, उसके बाद आपको आयोग की वेबसाइट पर जा करके एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करना रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी रहती हैं, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स, फिर प्रेफरेंस अगर रिक्वायर्ड है तो प्रेफरेंस सीट भरनी रहती है, फिर अदर डिटेल्स जो भी वहाँ पे पूछा जाएगा वो आपको फिल करना रहेगा। सिमिलरली आपको एड्रेस डिटेल्स देनी होती हैं, और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना रहेगा, ठीक है। जनरली ये जो फॉर्म की डेट है इसको लास्ट डेट फिल करने की रहती है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले तक आपको अनुमति दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करके आयोग के पास सबमिट कर दें, ठीक है। देखिए और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि डेफ के रिगार्डिंग हम लोग को पता होना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे। ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे अगर फर्दर ग्रुप्स जो भी बनेंगे उनमें आपको स्पेसिफिक डिटेल्स को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग ट्रिकी मैकेनिकल का जो ऑफिशियल ग्रुप है आप लोग नीचे देख सकते हो, उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या सिंपली आप लोग टेलीग्राम में ट्रिकी मैकेनिकल सर्च करोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहीं से सारी डिटेल्स कम्युनिकेट आपको कर दी जाएंगी। तो देखिए जब आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा उसके बाद आपका डैफ फॉर्म आएगा, डैफ फॉर्म आपको भरोगे, और जनरली जो इंटरव्यू कॉल मिलते हैं वो किस सिक्वेंस में मिलते हैं, तो लास्ट टाइम जो AE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका रोल नंबर है रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने सबको इंटरव्यू कॉल किया था, ठीक है। तो सेम वे में आप लोग इस पर्टिकुलर पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी जो इंटरव्यू होंगे उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोल नंबर के ही सिक्वेंस को वो लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो भी बिफोर हैंड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए इंटरव्यू में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला टेक्निकल पार्ट, दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ईयर गैप क्यों है, अगर ईयर गैप आपका अवेलेबल है तो, ठीक है। सिमिलरली आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप किस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर सिटी की क्या रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है, और उसकी क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ पूछी जा सकती है, UP में जो इलेक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ पूछी जा सकती है। तो जनरल न्यूज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है नॉन टेक पार्ट में, साथ ही साथ आपको जो भी हिंदी राइटिंग स्किल होती है उस पर काम करना होगा। तो उसके लिए आप एक लोकल हिंदी न्यूज़पेपर को रेफ़र करिए, डेली एटलीस्ट एक पेपर को पढ़िए, इससे ना केवल आप न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को अगर कोई वर्ड बोला जाए कि आप जाके बोर्ड पे लेट से जिज्ञासु ये एक वर्ड है इसको आपको लिखना है, तो आपको हिंदी में चीज़ों को लिखना आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही डील करने रहते हैं, तो इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की, कि टेक्निकल में इंटरव्यू का जो हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए। तो देखिए टेक्निकल के लिए सबसे पहले आप 4 से 5 सब्जेक्ट अपने अच्छे से रेडी कर लीजिए, और उन 4 से 5 सब्जेक्ट्स में आप लोग 2 से 3 टॉपिक हर सब्जेक्ट के प्रिपेयर कर लीजिए। जनरली इंटरव्यू में आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कि 4 से 5 आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब उन फेवरेट सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2 से 3 टॉपिक पे अगर आपसे बोला जाए कि जाइए बोर्ड पे पढ़ाइए तो आपको पढ़ाना आना चाहिए उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे, ठीक है। बेसिकली आपकी टीचिंग स्किल वहाँ पे डेफिनेटली चेक होने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो पढ़ाने की प्रैक्टिस आप अभी से जारी कर सकते हैं, आप घर में किसी को बैठा करके या फिर आप एक मिरर के सामने खुद
टीचिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात की जाए, ये चार पांच सब्जेक्ट्स से आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो वेल एंड गुड है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरव्यूअर एक टॉपिक दे देगा कि लेट्स से एंट्रोपी, एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है, आप जा करके इसको पढ़ाइए बोर्ड पे, और इस तरीके से आपको वो टॉपिक पढ़ाना रहता है कि कोई अननोन पर्सन जिसको एंट्रोपी का कोई भी आइडिया ना हो वो भी उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो बेसिकली आपकी टीचिंग स्किल चेक की जाएगी कि आप पढ़ाते कैसा हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपको तैयार करना है। फिर आपको जो आपका बीटेक का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग आप में से एमटेक भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो एमटेक का प्रोजेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और इतना आप लोग अच्छे से करिए, रेस्ट जो भी गाइडेंस है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, तो इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में जो लास्ट टाइम एई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंटरव्यू की जो मार्किंग थी वो 38 मार्क्स से लेकर के 74 मार्क्स के बीच में वेरी की थी। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप लोग एक न्यूज़पेपर को पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 से 5 टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें भी आप लोग को 2 से 3 टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप जा करके अवेलेबिलिटी टॉपिक को पढ़ाइए तो आपको वो टॉपिक पे पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बोल दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक जो वो एलोकेट करते हैं या आपसे कोई आपकी पसंद का टॉपिक बोला जाए तो उस पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप आराम से पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा सको। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपकी क्वेरी अगर बची रह गई है तो आप लोग नीचे कमेंट करके उस क्वेरी को लिख सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, या फिर कमेंट के थ्रू उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपकमिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।